खबर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज, आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। दुनिया भर में बढ़ रहे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण का कहर। दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का असर अब ग्रामीण इलाकों में खूब देखा जा रहा है। इलाकों की नदियां और तालाब गर्मी की शुरुआत से ही जल विहीन हो रहे हैं और इसका सीधा असर तटीय इलाकों के रहवासियों के ऊपर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के विकास में सुमार मुख्य नदी महानदी अब नाले के रूप में बह रही है। कभी 1.5 किमी के पाट और अपने भारी भरकम स्वरूप में बहने वाली नदी प्रदूषण के कारण अब सिकुड़कर नाले का रूप ले चुकी है, जिसकी खामियाजा नदी के आसपास रहने वाले सैकड़ों किसानों को भोगना पड़ रहा है। ये है कि कुछ फर्क तो है, पहले पानी ज्यादा था तो आदमी फसल ज्यादा उगाता था, अब नहीं हो रहा है क्योंकि अब पानी की कमी रहती है। इसलिए रोजगार में क्या प्रभाव पड़ा है? रोजी रोजगार में अब क्या है, अब भाई अब अपन मजदूरी करते हैं, अब इसी के भरोसे से जीते खाते हैं और इसमें भी कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए हाँ, पहले कुछ होता था पर अब नहीं हो रहा है। ये ऐसा है कि जो मसूर है, चना है, हमारे यहाँ करहिया के अंदर ये जितना माने नदी के किनारा में इतना उपजाव होता रहा, एक पेड़ में भुट्टा बड़ा मकाई तीन तीन लगत रहे हैं। आज के डेट में ये मान लो कि एक भी वैसे खड़ा रह जाता है। और गेहूँ जो है तो यहाँ कोई माने मतलब नहीं निकलता है, इसलिए अब क्या करें। अब इसलिए सब लड़का बच्चा जितने हैं सब बाहर जा रहे हैं, अब क्या करें। जो हमारे जैसे बुढ़े बुढ़े हैं वो नहीं जा पाते हैं, जितने माने लड़का है सब बाहर जा रहे हैं। पहले नदी सर जी बहुत मतलब चलती रही है, पाट चलती रही है तो मतलब खेती बाड़ी मतलब होता रहा है। अब है तो मतलब नदी नाला बन गई है तो खेती बाड़ी होता नहीं है, तो अभी नदी में अब थोड़ा बहुत मतलब करते खाते रहते हैं, अब क्या करेंगे सर जी। वर्षा बहुत होता था, फसल भी अच्छी होती थी, अब जब से बंधी बांधा बन गया सर, नदी पानी नहीं आ रहा, वर्षा कम गया, अनाज कम होता है। सब जो पहले पानी रहा है तो माने अच्छा चलत रहा है, अब इस समय पर पानी का कमियोग माने बहुत कम हुई है, तो अब का करो जाए। अब फसल तो माने नदी तो नीचे एकदम से चला गया, यहाँ तो रेत का माने कोई संबंध वह नहीं है, पानी मिल नहीं रहा होगा। तो क्या प्रभाव क्या पड़ रहा है खेती किसानी में? ये कुछ नहीं माने पड़ रहा, एकदम से मार खा रहा है, लाभ कोई फायदा नहीं हो रहा, इतना माने मेहनत करते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं निकल रहा। आपको बता दें, जिले के कटनी उमरिया जिले की सीमा में बहने वाली महानदी के तटीय इलाकों में दर्जनों गांव आबाद है, जहां के किसान नदी की धार में ककड़ी, खीरा और तरबूज की खेती कर अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन बीते कई वर्षों से नदी का जल स्तर घटने से इनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। आलम ये है कि नई पीढ़ी के नौजवान अब रोजगार के अन्य साधन तलाश रहे हैं, साथ ही किसानों की मुख्य फसल गेहूं, चना, सरसों के उत्पादन पर भी पानी की कमी का असर दिख रहा है। पहले इसका वाटर लेवल हमें जैसा रिकॉर्डों में भी देखा 30-40 फुट में यहाँ पानी मिल जाता था, आज यहाँ कुछ जगह तो है 70-80 फुट मिल जाता, लेकिन अधिकांश जगह 100 से 125 फीट नीचे और कहीं कहीं तो 150 फीट से भी नीचे चला गया। हमारा आकाशकोट का एक एरिया ऐसा है उमरिया जिले का, करीब 29 गांव है, उसमें हमने पिछले साल लगभग 30 हैंडपंप उनमें कराए। आप आश्चर्य करेंगे, मुश्किल से 7-8 हैंडपंप अच्छा पानी दे रहे हैं क्योंकि वहां का वाटर लेवल 200 फीट नीचे चला गया। ऐसे कुछ एरिया हमारे मानपुर की तरफ का है, वहां भी यही दिक्कतें आ रही हैं, इंदवार भरेवा तरफ। ऐसे करकेली ब्लॉक का एक और एरिया है जो बिछिया, महोबा, दादर, कलोरी, चंगेरा, ये एरिया ऐसे, वहां भी पानी की बहुत समस्या है। और समस्या का मात्र कारण ये है कि हम दोहन करते हैं लेकिन उनके रिचार्जिंग की ओर ध्यान नहीं देते। आज जिन गांवों का हमने नाम लिया, बिछिया, महोबा, दादर, वहां 150-150 फीट 200-200 फीट नीचे पानी चला गया है, कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो हम लोग तो गांव में जो भ्रमण करते हैं तो दोनों चीजों की ओर ध्यान देते हैं, जहां पानी की समस्या बताई जाती है तो वहां हम उनसे रिचार्जिंग की भी बात करते हैं। और रिचार्जिंग कुछ नहीं है, हमारे घर का जो कचरा पानी है उसको हम जमीन के नीचे पहुंचाने की व्यवस्था करें,
बर्तन धोने का, नहाने धोने का, जो भी पानी बचता है उसको किसी न किसी माध्यम से हम जमीन के नीचे पहुंचाएं। बहुत ही मतलब एक बड़ा कारण है कि डिफॉरेस्टेशन का है। दूसरा जो है नदियों के आसपास बागवानी फसलें जैसे आम, अमरूद, संतरे, कुछ ऐसी जो है कछार की नदियों की पट्टी में यदि ऐसी फसलें लगाएं तो उससे जो एक तो सॉइल का जो लॉस हो रहा है वो लॉस भी बचेगा, पानी का कंजर्वेशन होगा, भंडारण होगा और नदियों में पानी बना रहेगा, जल का जो स्तर है उसमें वृद्धि होगी। कृषकों के लिए ये बहुत जरूरी है। और उसकी वजह है कि हमारे यहाँ जो नदियाँ रही हैं, जो 12 महीना बहने वाली 12 मासी नदियाँ रही हैं, उनके उनके भीतर जो छेड़छाड़ की गई है रेत निकालने के नाम पर, पत्थर निकालने के नाम पर, ये जो सब कुछ हुआ है उसका असर देखने को मिल रहा है। अभी जो महानदी, छोटी महानदी कहलाती है, उस छोटी महानदी में बड़े पैमाने पर किसान निर्भर थे। वो तरबूज की खेती करते थे और खीरा, ककड़ी ये लगाते थे गर्मी के दिनों में। अब वो पानी ना होने के कारण पूरी तरह से उनकी फसल और उनकी आजीविका पर संकट आ गया है। देखिए, सबसे बड़ी पहल तो ये है कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद करें जो बड़े पैमाने पर हो रहा है। और जवाबदेही तय हो, हमारे यहाँ जो भी चाहे छोटे से छोटा उद्योग हो या बड़े से बड़ा उद्योग हो, वो पर्यावरण के जो भी नॉर्म्स हैं, पर्यावरण संरक्षण के जो भी कायदे कानून हैं, उनका पालन नहीं करता है। आम आदमी भी संवेदनशीलता के साथ उसके संरक्षण का हिस्सा नहीं बनता है, लेकिन जब जीवन पर बनाती तो शिकायतें सब लोग करते हैं। मुझे लगता है ये ऐसा मसला है जिसमें समाज को भी आगे आना पड़ेगा, सरकार को भी आगे आना। उमरिया से राजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट।